अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों को हम लोग लेके गए द मैड हाउस फॉर सॉफ्ट प्ले, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा सर्द है, बच्चों को किसी पार्क वगैरह में लेके जाना बिल्कुल भी फिलहाल सेफ़ नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है बच्चों के लिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम मैड हाउस लेके जाएं, बच्चों की चेंज मिल जाएगा, अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी। और इसमें मेरे साथ ही मेरी एक फ्रेंड जो कि वहाँ पर बहुत सालों से हैं इंग्लैंड में, तो उनकी गाइडेंस थी, तो उन्होंने जैसे जैसे कहा तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी हमने चूज़ किया कि ओके बच्चों को हम मैड हाउस ले जाते हैं तो अच्छा रहेगा। तो बच्चों को हम वहाँ ले गए, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, स्पेशली मिराल ने, क्योंकि उसको इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाती है और इन्वायरमेंट में अडाप्ट हो जाती है। लेकिन एजल जो है वो उसको बहुत टाइम लगा, उसको ऐसा ऐसा जो है हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई चीज़ें, और वैसे भी वो अभी एज में भी छोटी है, लेकिन ऐसा ऐसा वो भी सेट हो गई और उसने भी फिर खूब इंजॉय किया। मेरा यहाँ स्लाइड ले रही है एक साइड पे, और जो पूरा जो है प्ले एरिया वो डिवाइड है अकॉर्डिंग टू एज, के इस एज के बच्चे इस एरिया में रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं। तो यहाँ पे एजल और मिराल जो हैं वो खूब खेल रही हैं, एक साइड पे बॉल्स का पूल है जिसमें बच्चों ने इंजॉय किया, और स्लाइड्स हैं छोटी और बड़ी, और कुछ ऐसे कार्स और ये जंपर था और भी काफ़ी चीज़ें थी। और यहाँ पे हम ऐसे को ऐसा ऐसा जो है वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं दे रही और बस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है चुप करके। फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कार्स और बस और इस तरह की चीज़ें थी वहाँ पर बच्चों को लेके गए, और मिराल ने हर एक पॉइंट, इवन कि वो तो मेरे हाथ आ ही नहीं रही थी, वो बस जहाँ जहाँ जो उसको अच्छा लग रहा था वहाँ पे चली जाती थी। तो यहाँ पे एजा जो है वो काफ़ी हद तक एडजस्ट हो चुकी है और फिलहाल हॉर्स पे बैठी है और इधर उधर देख रही है। फिर हम थोड़ा सा आगे एक एरिया है जहाँ पे इस तरह के बड़े साइज़ के ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे बहुत बच्चों ने इंजॉय किया, क्योंकि मेरे बच्चे वैसे भी ब्लॉक्स वगैरह से बहुत ज़्यादा खुश होकर खेलते हैं। तो यहाँ पे ये बड़े साइज़ के ब्लॉक्स से हम लोगों ने भी साथ बनाए, तो बच्चों को चीज़ें जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाओ तो साथ साथ करना पड़ती हैं, तो आपको देख के बच्चा सीख जाता है और फिर वो खुद भी उस एक्टिविटी को करने की कोशिश करता है, और इस तरह से चीज़ें जो है ऐसा ऐसा बच्चे सीख जाते हैं। यहाँ पे बड़ी स्लाइड थी, मिराल को हमने कोशिश की कि लेके दे, क्योंकि बच्चे ले रहे थे लेकिन वो थोड़ा डर रही थी, तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा रिस्क ना ही लें। और यहाँ पे कुछ बड़े बच्चों का एरिया है जहाँ पे टनल्स और इस तरह की चीज़ें हैं, और बच्चे खूब यहाँ पे खेलते हैं। आई थिंक के 2 आवर्स होते हैं बच्चों को अलाउ ना, जिसमें वो जितना चाहे खेल लें। फिर उसके बाद हम बच्चों को बाहर ले आए, और इस टाइम जो थी वो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी, इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है यहाँ पे अब, और यहाँ बच्चों की शक्ल आपको बता रही होगी कि वो कितने थक गए थे। और फिर हम यहाँ पे टेंट हाउस चले गए बच्चों के लिए, कुछ यहाँ पे ज़्यादा चिकन की वैरायटी होती है, तो हमने ग्रिल चिकन जो था वो ऑर्डर कर लिया बच्चों के लिए, फ्राइज थे और विंग्स थे। और एक जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वहाँ पे, उन्होंने बच्चों के लिए एक क्रेयॉन्स रखे हुए थे और कुछ पेपर्स है जिसके ऊपर कुछ कलरिंग और ड्राइंग आप कर सकते हैं, तो बच्चे काफ़ी उसमें इंटरेस्ट रहते हैं, इतना ज़्यादा तंग नहीं करते। तो उसके बाद हम लोग वापसी के लिए निकल पड़े, और यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं कि बच्चे जो है वो सो गए हैं थक के। एक्चुअली इस तरह के एरियाज़ में लेके जाना बच्चों को, वो अपनी सारी एक्टिविटी और एनर्जी जो है वो इस तरह की एक्टिविटी में यूज़ कर लेते हैं, और फिर उनके लिए बेहतर रहता है, मेंटली भी और फिज़िकली भी उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और वापसी पे यहाँ पे जो थी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे मैं जब से आई हूँ तो यहाँ पे स्नोफॉल अभी हुई है, फर्स्ट टाइम मैंने जो देखी है, और बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, पर हर बहुत अच्छा मौसम था उस दिन जिस दिन हम यहाँ पे गए। और बस अब वापसी यहाँ पे बहुत सारी जो ज़्यादा मार्केट थी वो
फर्नीचर और किचन इंटीरियर की थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर की चीज़ें थी। उसको हमने थोड़ा सा विंडो शॉपिंग की और फिर यहाँ से हम वापसी घर के लिए निकल पड़े। घर जाके जनाब जो स्नोफॉल थी वो और ज़्यादा तेज़ हो गई और शुक्र अल्लाह के कि हम घर पहुँच चुके थे। यहाँ पे कुछ मैंने वीडियो के क्लिप्स डाले हैं सो दैट यू कैन सी। पाकिस्तानी जब यहाँ आते हैं तो उनको उनके लिए ये बहुत ज़्यादा वो चीज़ होती है स्नोफॉल, और ये वाकई बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। ओके जी, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।